हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक आरएसबी। और आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपनी कोई सी भी भाषा को, पूरे वर्ल्ड में जितनी भाषा बोली जाती है, आप कोई सी भाषा को किसी भी भाषा में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूज़फुल है। सिंपली आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको उसमें टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। जैसे आप इसको ट्रांसलेट कर एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे जो आपको एप्लीकेशन दिखेगी गूगल ट्रांसलेट की, आपको सिंपली इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल करा हुआ है तो आपको ज़रूरत है करने की, मेरे को नहीं, मैंने कर रखी है। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, सिंपली इसको ओपन करना है। आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट लैंग्वेज कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज से आपको किस में बदलना है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस दी हुई है पूरी दुनिया भर की, कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है और बगल में आपको साइड में दिख रहा है यहाँ पे चाइनीज़, हिंदी और इंग्लिश, बाकी लैंग्वेज को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख के सिंपली जो पहला है वो आप लिख के टाइप कर, जैसे मैंने हेलो लिखा, नीचे नमस्ते उसका ट्रांसलेट आ चुका है। तो इसी तरीके से हेलो फ्रेंड्स, आप जो भी इंग्लिश में लिखेंगे वो नीचे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, जो आपने लैंग्वेज चूज़ करी होगी उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। इससे काफ़ी यूज़फुल है, आप लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं काफ़ी। जैसे कई लोगों को इंग्लिश में कुछ लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो लर्निंग कर रहे होते हैं इंग्लिश को, तो इस तरीके से वो इंग्लिश हिंदी में आसानी से इंग्लिश भी लर्न कर सकते हैं। और अब जो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर वो ये है कि आप कैमरे से सिंपली किसी भी भाषा जो लिखी रहती है कहीं पर भी उसको किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये लिखा हुआ है इंग्लिश में सब कुछ, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो फ़ोटो खींच सकते हैं हम। पहले हम फ़ोटो खींचेंगे, खींचने के बाद ये इसमें आपको हर जो शब्द है उसमें बना हुआ आ जाएगा, उसमें सब सिर्फ आपको क्लिक करना है और उसका हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, या जिस लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट करा है उसमें ये ट्रांसलेट हो जाएगा बहुत ही आसानी से एक क्लिक करते ही, ठीक है। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे हिंदी को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको कैमरे में लेके देखते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाता नहीं कर पाता। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हो जाता है ऑन। आप हिंदी को टाइप करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब मैं आपको बताऊंगा एक दूसरी ट्रिक जिसकी मदद से जो भी लिखा हुआ है वो अपने आप ही ट्रांसलेट हो जाएगा। नीचे आपको दिख रहा है राइट कॉर्नर पर आँख बनी हुई है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी इंग्लिश में लिखा होगा या चाइनीज़ में लिखा होगा, किसी भी भाषा में लिखा हो आपका, वो आप जिस भाषा में चाहते हो उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगा इसके अंदर। देखिए जैसे कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ था, बस उसके कैमरे को लाना और वो सब हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको जैसे चाइनीज़ लिखा है बोर्ड्स होते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी इजीली आप इसको ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं कि वो बोर्ड क्या कहना चाहता है या फिर जो लिखा हुआ उसका क्या मतलब है। इसके अंदर एक और तरीका है, सिंपली आप अपने हैंड राइटिंग से लिख के इसमें आप कुछ भी चीज़ बस लिखना है आपको और वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा आप क्या लिख रहे हो और उसको ट्रांसलेट कर देगा। सिंपली इसके लिए बटन आपको दिख जाएगा, उसमें ड्रॉ का ऑप्शन बना हुआ, उस पर क्लिक करते के साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों ये थी कुछ इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। अब मैं आपको कुछ एक फाइनल वाला जो इसका मेरे को सबसे अच्छी लगा फीचर वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये क्या है कि आप कहीं पर भी अगर कुछ भी चीज़ कॉपी करते हैं, कुछ भी चीज़ कॉपी कर लीजिए, सिंपली आपके सामने एक पॉपअप सा खुल जाएगा इसी का ही ट्रांसलेट करने के लिए उसे। जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसे कॉपी कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे गूगल ट्रांसलेट का वो खुल गया। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, जो भी आपने कॉपी करा होगा वो बट उसी वक्त ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, जहाँ पर भी करना है। तो मतलब ये कॉपी वाला जो फीचर है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा है, हेल्पफुल है, यूज़फुल है। तो इसलिए मैंने ये एंड में रखा था बताने के लिए। तो यही सब आज की जो ट्रिक्स थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।